नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे और आपके कुकिंग चैनल बनाओ और खिलाओ में। दोस्तों आज की रेसिपी है मटन कड़ी की। एकदम सिंपल और इजी रेसिपी है, आप अपने घर में इजीली बना सकते हैं। बट कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं इस रेसिपी में, आप पूरा वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 600 ग्राम मटन है, इसे तो पहले मैंने धो लिया है। तो सबसे पहले आपको इसमें 1 चम्मच नमक और 2 चम्मच विनेगर डाल देना है और फिर इसमें पानी भर के इसे कम से कम आधे घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-2 घंटे भी रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये मैंने कुकर ले लिया है, आप कुकर का ही यूज़ करें। तो मैंने 4 चम्मच बड़े चम्मच से सरसों का तेल ले लिया है, 1 चम्मच जीरा ले लिया है, 2 सूखी लाल मिर्च ले ली है, ये 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली है, इसे आपको थोड़ा सा तोड़ देना है, 2 छोटी इलायची इसे भी थोड़ा सा आपको तोड़ के डालना है, 10 से 15 लौंग ले लिए हैं, 1 जावित्री का टुकड़ा छोटा सा, 1 इंच दालचीनी ले ली है और ये 2 चक्रफूल हैं। ये जब मसाले चटक जाएं, खड़े मसाले, तब आपको इसमें डालना है प्याज। तो ये मैंने 2 से 3 प्याज चॉप कर लिए हैं, स्लाइस कर लिए हैं, सॉरी चॉप नहीं, स्लाइस करके इसमें डाल दिया है। अब हम प्याज को भूनेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए प्याज का कलर अब बदलने लगा है, ये देखिए हल्का ब्राउन हो चुका है प्याज का कलर। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो 1.5 बड़े चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम थोड़ा सा इसे भून लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट तक मैंने इसे भूना है। अब मैं इसमें डालूंगा मटन, जो हम लोगों ने मैरिनेशन के लिए रखा था विनेगर और नमक डाल के। तो ये मैंने मटन डाल दिया है। अब मटन को आपको भूनना है, 2 से 3 मिनट आपको मटन को थोड़ा सा भूनना है। फिर इसमें मैंने 2 बड़े टमाटर रफली कट किए हुए डाल दिए हैं। ये है हरा धनिया के जो डंडियां रहती हैं वो मैंने डाल दी हैं थोड़ी सी, अच्छा फ्लेवर आएगा इससे। और थोड़ा सा मिला लूंगा मैं, स्वाद अनुसार नमक, पर मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है। फिर से थोड़ा मिला लेंगे, बार बार मिलाने की इसलिए जरूरत है ताकि जो मसाले हैं वो नीचे चिपके ना। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और धनिया पाउडर आपको दिल खोल के डालना है, लगभग मैंने 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर डाला है। ये मटन मसाला है, ये मैंने 2 चम्मच डाल दिया है, आपको बाजार में आसानी से मटन मसाला मिल जाएगा। फिर से थोड़ा सा मिला लेंगे पूरे मसालों को और मटन को। फिर इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं और नीचे पैन में चिपके भी ना। अब मैंने इसमें डाल दिया है पूरी लहसुन की कलियां, आपको डाल देनी है, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा मटन में। स्वाद अनुसार आपको मिर्च पाउडर ले लेना है। फिर थोड़ा सा मिला लेंगे, कलर देखिए कितना अच्छा हो गया है। और ये कुटी हुई काली मिर्च है, मैंने 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च ले ली है, 1 कटोरी अब दही डाल दी है। दही डालते ही आपको आंच कम कर लेना है, फ्लेम कम कर लेना है और इसे कंटिन्यू मिलाते रहना है जब तक इसका एकदम पेस्ट ना बन जाए और तेल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए कैसा पेस्ट बन गया है। अब हम ढक्कन से ढक के 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आपको ढक्कन हटा लेना है, फिर से थोड़ा सा आपको इसको मिला लेना है और फिर से ढक्कन डाल के फिर से 5 मिनट पकाना है। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने दोबारा आपको वो दिखाया नहीं है, तो आपको ये 2 बार करना है। उसके बाद इसमें आपको पानी डाल लेना है जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, अच्छे से फिर मिला लेंगे पानी डालने के बाद। अब हम कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और मैंने इसमें 5 से 6 सीटियां लगाई हैं। आपके मटन पे निर्भर करता है कि आप कितनी सीटियां लगाएंगी, बट आप अगर 6 सीटी लगाएंगे तो उसमें आपको 3 हाई फ्लेम पे लगानी है और 3 लो फ्लेम पे लगानी है। अगर आप 8 सीटी लगाती हैं तो 4 हाई फ्लेम पे, 4 लो फ्लेम पे। अब मैंने कुकर का ढक्कन खोल लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगा थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये लगभग 2 चम्मच कसूरी मेथी आपको डाल देनी है और फिर थोड़ा सा मिलाऊंगा। इसमें ग्रेवी थोड़ी पतली है तो इसे मैं 5 से 6 मिनट तक और पकाने वाला हूँ।
ताकि ग्रेवी और थिक हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगा ये हरा धनिया। मैंने छोटी कटोरी से एक कटोरी हरा धनिया डाल दिया है। अब ये बनके तैयार है, तो कर लेते हैं जल्दी से इसकी प्लेटिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को रेसिपी पसंद आई होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को इस हिसाब से रेसिपी बताता हूँ कि आपके घर में वो इंग्रेडिएंट या वो सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए और आप अपने घरों में इसे आसानी से बना पाए। तो सब्सक्राइब तो आप सभी कर ही देते हैं पर बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है। तो बेल आइकन प्रेस कर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो एक नए रेसिपी के साथ। तब तक बनाते रहिए, खिलाते रहिए।